पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। अंगद से बात करनी है। क्या फायदा होगा? फायदे का तो पता नहीं, लेकिन मन को शायद थोड़ी तसल्ली मिल जाए। वो अपने पेरेंट्स के साथ होगा और मुझे नहीं पता कि मैं क्या बात करूंगी। मुझे आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। बात कर लो। किमा, मैंने घर छोड़ दिया है। मैं उस घर में कभी भी दोबारा कदम भी नहीं रखूंगा जहां पे मेरी किमा के इंसल्ट किए। किमा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। I don't know, man. ऐसे क्रिमिनल्स के घर कैसे पैदा हो गया? उन्होंने मुझे यूज किया, मेरे प्यार को यूज किया। I hate them, किमा। किमा, I love you. I love you too, Angad. किमा यार, हमें खन्ना जो जिंदल्स की जंग की सजा क्यों मिल रही है यार? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आराधना जी, आप प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। तुमने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया किमाया के लिए? मैंने छोड़ दिया ऑलरेडी, ये देखो। नहीं जाऊंगा मैं उस घर में दोबारा। मुझे नहीं चाहिए उनका पैसा, उनकी पाप की कमाई, चोरी की कमाई। मैं खुद कमा लूंगा। मैं उस घर का पानी तक नहीं पीऊंगा। मुझे मेरी किमी से दूर मत करो, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आराधना प्लीज, मैं और अंगद एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। मम्मा पापा भी सब शांत होने के बाद कूल डाउन हो ही जाएंगे, वो मान जाएंगे। प्लीज आराधना दी, प्लीज। किमाया, मैंने तो अपना प्यार खो दिया। जो मेरे साथ हुआ वो मैं तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें अंगद से मिलवा कर रहूंगी। किमाया, तुम श्योर हो? हाँ, आई लव अंगद। अगर तुम्हें अपने प्यार पर इतना यकीन है तो आई एम श्योर सब ठीक ही होगा। मैं बात करूंगी तुम्हारी मॉम से। अब संभाल लेना दी, हम लोग शादी करके वापस घर आ जाएंगे। और तुम्हें तो पता है ना दी, कि अंगद इज अ गुड गाय। प्रीनप वाली बात पे भी उसने मेरा साथ दिया था, और अलका आंटी के सामने भी उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, वो मुझसे प्यार करता है, और मुझे उसके प्यार पे पूरा भरोसा है। लकी हो तुम के माया, क्योंकि इतना भरोसा बहुत कम लोगों को नसीब होता है। पुअर किमी दी यार, मुझे उनसे बात करनी चाहिए। आई कांट लीव हर अलोन। हम दोनों के आने तक घर वालों को संभाल लेना। दी, दी कहाँ है? वो अब कि माया अभी थोड़ी देर अकेली रहना चाहती है, so just let it be. Oh God, hello, मेरी बहन है वो, dude. I wanna talk to her, कहाँ है वो? कृति, I understand your concern, but कभी कभी ना अपनों से ज़्यादा अजनबियों से बात करना आसान होता है। जो बातें हम अपनों से नहीं कर पाते वो अजनबियों से करके अपने मन को मना लेते हैं। कृति, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि माया इस वक्त थोड़ी देर अकेले रहना चाहती है। ओके, आई गेट इट, मी टाइम फाइन। थैंक्स, तुमने और विक्रम ने मेरी फैमिली के लिए जो किया, यू गाइज एक्चुअली मेक अ ग्रेट टीम। थैंक यू। थैंक यू आराधना जी, आपने मुझे मेरी किमाया दे दी। अंकल, तुम किमाया को हमेशा खुश रखोगे ना? कभी उसका भरोसा मत तोड़ना।
आपने आज एक बड़ी बहन का फर्ज निभाया है। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया किमाया। आई होप तुम खुश रहोगी। हमने हमेशा एक प्लान बी के बारे में सोच के रखा था। मैं बस उसे एक्टिवेट कर रहा हूँ। जा, जाके बदला ले मेरे भाई का उस लड़की से। नरेंद्र नाग अलका का भाई, पर कैसे? सर, इन लोगों ने बहुत सालों तक ये बात छुपाई हुई थी। पर वीरेन, हमसे चूक हुई कैसे? तुमने उस आदमी को जेल भेजा और सालों बाद उस आदमी ने जेल में आत्महत्या कर ली और फिर उसी की बहन के घर हमारी किमी का रिश्ता। मालिनी, वो जेल मेरी वजह से नहीं गया, वो जेल गया अपनी काली करतूतों की वजह से। वो सब ब्लडी क्रिमिनल। लेकिन वो अलका का भाई, नाम बदल के उन लोगों ने हमें गुमराह किया है। सर, आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। ये जिंदल ना बहुत पॉजिटिव चीज है। अपने साले का बिजनेस हड़प लिया और चोरी की मूर्ति बेचकर इतना बड़ा आदमी बन गया, इतना बड़ा कि आप लोग इस सर्कस में उसका उठना बैठना हो गया। हाँ, पर गलती हमारी भी तो है। हमने सोसाइटी में बस उनका नाम देखा, ये भूल गए कि आज के जमाने में जो दिखता है वो जरूरी नहीं सच हो। अच्छा हुआ कि समय रहते आराधना। आराधना, तुमने मेरी किमी को बचा लिया। मैं तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। इनफैक्ट तुमने और विक्रम ने दोनों, आई कांट थैंक यू बोथ इनफ। न जाने अपने भाई की मौत का बदला वो किस तरह मेरी किमी से निकालते, क्या क्या प्लान किया होगा। थैंक यू। ये इतनी हड़ाई भी क्यों? क्या कर दिया अब तुमने? तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुमने फिर से कोई कांड किया। क्या मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई? अंगद के माया से प्यार करता है, वो अपने माँ बाप की तरह नहीं है। हे भगवान, ये सुसाइड की बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं रे अंश? मेरी तरफ यूँ ना देखो, मेरी क्या गलती है? मैंने अपनी रिसर्च की, क्या कर बैठी हो यार? इस शहर से भी हम दोनों का पट्टा कटवा दोगी क्या? तुम ऐसी सरपरी क्यों हो यार? तुम उठोगे यहाँ के, मेरी हेल्प करोगे? तुमने आखिरी बार चॉकलेट कब खाई थी? ओए गवार, have some knowledge. You know, स्मेल में ही तो आधा टेस्ट होता है बेब, बट आई थिंक किमी दी को ना ऐसे नहीं चलेगा। यार तो हार्ट ब्रेक मेरा भी हुआ है यार, आराधना के साथ क्या मेरे लिए भी बना दे प्लीज। Never. मुझे तो ऐसा लगा था शादी खत्म होने तक आराधना को पटा लूंगा, पर आराधना ने मेरा पत्ता ही काट दिया। कृपया लाइन में रहिए, आप हमेशा के लिए कतार में हैं। लूजर। क्या नो, लड़की बहुत डेंजरस है, उसके साथ ना पता नहीं कुछ ना कुछ होते रहता है। पर मैं तो एकदम चिल्लू, मुझे कोई गल नहीं, मैं चंडीगढ़ चला जाऊंगा। चंडीगढ़ जाके एक तरफा प्यार करूंगा, क्योंकि एक तरफा प्यार की कीमत सिर्फ मैं जानता हूँ। बन गया, बन गया, बन गया। चलो चलते हैं किमी दी के पास। वो मेरे लिए भी बनाना था, बट कोई नहीं। ओके किमी। प्लीज 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 भगवान जी प्लीज। क्या हुआ, क्या है? उसने मुझे कहा था कि वो किमी से बहुत प्यार करता है। कुछ बताओगी क्या हुआ है? वो मेरी हेल्प की वजह से गई। What? Are you crazy? तुम्हारा दिमाग खराब है? हे भगवान, या तो उसको थोड़ी अकल दे दो, या मुझको अंधा या बहरा कर दो, ताकि इसकी बेवकूफियां देख ना पाऊं मैं। नाटक क्यों कर रहे हो? हो गई गलती मुझसे, क्या तुमने कभी कोई गलती नहीं की? गलती नहीं है, ये तुम्हारी जिद है। मैं तुम्हें कहा था ना, जिंदस डेंजरस है। तुम्हें लगता है तुम्हें सब पता है? चिल्लाओ मत। तुम्हें क्या लगता है? I don't get it. मैंने अपने हाथों से कि मैं आपको संगत के पास भेजा है,
वो मेरी वजह से खतरे में है। मुझे समझ में आ रहा है, बट अंगद ने मुझसे कहा था कि वो अपने माँ बाप को छोड़ दे। और तुमने मान लिया? हाँ, मान लिया मैंने, क्योंकि मुझे लगा कम से कम किसी के नसीब में तो सच्चा प्यार है। पर नहीं, मैं गलत थी। मुझे समझना चाहिए था कि मुझे इंसान की परख ही नहीं है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।